अच्छा अरे जी, आज आपसे सेलिब्रिटी कल्चर के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक आम आदमी का मन इन सेलिब्रिटीज से, क्रिकेटर्स से, फिल्म स्टार से इतना ज़्यादा क्यों डोमिनेटेड रहता है? उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उन्हीं के जैसा हो जाना चाहते हैं, उनकी जैसी बॉडी चाहते हैं। लालच है और डर है। देखो, हर इंसान अपनी ज़िंदगी से नाखुश है। कोई भी नहीं है जिसके मन में संतुष्टि हो, लेकिन लगता सबको यही है कि कोई तो और होगा जो शायद संतुष्ट होगा, जिसको ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया है जो होना चाहिए। तो फिर हम इन लोगों की ओर देखते हैं जिन्हें आप सेलिब्रिटीज़ बोलते हो, और उनको देखते हैं, उनसे डरते भी हैं, उनके जैसा बन भी जाना चाहते हैं। यही आम आदमी की कहानी है। ये जांच पड़ताल कोई नहीं करता है कि जिसकी ओर तुम देख रहे हो उसकी अपनी ज़िंदगी कैसी है, उसके मन का अपना आंतरिक माहौल कैसा है, उसको क्या वाकई वो सब कुछ मिला है जिसकी तुमको चाहत है। चकाचौंध की बात है, बस और कुछ नहीं। इसी चकाचौंध में फंस कर आम आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है, ख़राब कर लेता है, मर जाते हैं। मैंने ये भी देखा है कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये एडवर्टीजमेंट्स भी बहुत करते हैं, और ऐसा है उसमें बड़े ब्रांड्स इनको इस्तेमाल करते हैं एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश करने के लिए कि आप एक बड़े इस्टेब्लिश्ड क्रिकेटर हैं, आपने हमेशा रिस्पॉन्सिबली मैचेस जिताए हैं, तो आप ये इन्वर्टर ले लीजिए, ये भी रिस्पॉन्सिबली आपको हमेशा संभालेगा, कभी फुकेगा नहीं। क्रिकेटर सिखा रहा है आपको कि इन्वर्टर कौन सा खरीदना चाहिए, तो फिल्म एक्टर आपको बता रहा है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस कौन सा खरीदना चाहिए, और लोग उस क्रिकेटर उस एक्टर की बात में आकर के वो लाइफ इंश्योरेंस खरीद भी रहे हैं भाई। तभी तो वो जो कंपनी है, एजेंसी है, उस क्रिकेटर को, उस सेलिब्रिटी को पैसा दे रही होगी। तो इससे यही पता चलता है कि आम जनता का मन, समझ, बौद्धिक स्तर किस तल का है। हम सोचने समझने वाले लोग ही नहीं हैं, हम भीड़ के पीछे चलने वाले, भावनाओं में बह जाने वाले, जल्दी से उत्तेजित होकर के निर्णय करने वाले लोग हैं। सब नहीं होंगे ऐसे, पर 95% लोग ऐसे ही हैं, और ये बहुत बहुत खेद की बात है। यही थोड़ी है कि आपको बता रहे हैं कि आप लाइफ इंश्योरेंस कौन सा खरीदो, या आपको ये भी बता रहे हैं ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए। तुम अखबारों को उठा लो या न्यूज़ वेबसाइट्स को उठा लो, तो वहाँ पर धड़ल्ले से और बहुत सारे तुमको ऐसे लेख मिलेंगे, 5 लाइफ लेसन्स फ्रॉम, और वो कौन है, वो कोई एक्ट्रेस है यूं ही, जिसको अभी एक्टिंग करना भी नहीं आया है। वो प्रसिद्ध क्यों है ज़्यादा? जो खुली बात है ये कि वो प्रसिद्ध है अपनी देह की वजह से, अपनी सेक्सीनेस की वजह से, और वो आपको बता रही है कि लाइफ लेसन, ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। ये चल रहा है, और ये चल ही नहीं रहा। ये ज़िंदगी में ऊंचाई का, सफलता का पैमाना बन गया है। जो लोग दिखाना चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में कहीं पहुंच गए हैं, वो ये तथाकथित सेलिब्रिटीज़ के साथ एकदम झुक करके तलवे चाटते हुए फ़ोटो खिंचा लेंगे। इसमें राजनेता भी आते हैं कि फलाने नेता के साथ मेरी फ़ोटो है। एक तो आचार्य जी, मूवीज़ होती हैं, अच्छी मूवीज़, ऐसी मूवीज़ जो चेतना का स्तर बढ़ाएं, उनको देखने के लिए तो आप भी हमें कहते हैं। तो एक चीज़ तो मूवीज़ हो गई, और एक होता है उसी एक्टर की जो बाहरी ज़िंदगी है, बिहाइंड द सीन्स, उसके पीछे जो लोग इतना पागल होते हैं कि वो कब जिम जा रहा है, कब गाड़ी से उतरा, उसको चेज करना, वो जहाँ जिस रोड से निकल रहा है, ये हाँ, क्योंकि ये फटिश क्या है? लोगों को ये लग रहा है कि उसको कुछ ऐसा मिल गया है जो बहुत बहुत कीमती है, और लोगों को तब भी होश नहीं आता जब हर साल आधा दर्जन, एक दर्जन
बहुत ही दर्दनाक और झकझोर देने वाले वाकये फिल्म इंडस्ट्री से सामने आते हैं, कभी कत्ल के, कभी आत्महत्या के, कभी डिप्रेशन के, कभी आपराधिक गतिविधियों के। लोगों को तब भी समझ में नहीं आता कि तुम कैसे लोगों को अपना आदर्श बनाए बैठे हो। ये लोग इस लायक हैं कि तुम पूछो कि ये क्या पहनता है, क्या खाता है, ये क्या विचार करता है, हम भी वैसा ही करेंगे। और अभी तो ये पिछले कुछ सालों से नया एक चलन शुरू हुआ है कि जो फिल्मी सेलिब्रिटीज़ हैं वो विचारक भी बन बैठे हैं, अब इंटेलेक्चुअल्स भी यही हैं। तो कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा हो, उस पर बढ़ चढ़ कर राय कौन दे रहे होंगे? यही लोग, ऐसे लोग जो घटिया फिल्में बनाते हैं और घटिया एक्टिंग करते हैं और पूरे समाज का मन गंदा करते हैं, ये अब विचारक है। ये बढ़ चढ़ के बता रहे होंगे नहीं, भारत को ऐसा करना चाहिए, फलाना नियम ऐसे पास होना चाहिए, फलानी चीज़ ऐसे चलनी चाहिए। तो ये है, तो इनका जो लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रेयल होता है वो हॉलो है। देखो, लार्जर देन लाइफ तो होना चाहिए, हम सब की जो लाइफ है उससे कुछ लार्जर हम सब के पास होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पर इनकी जो जिंदगी है उसमें वाकई क्या कुछ ऐसा है जो अगर आपको मिल गया तो आपको बड़ा आनंद आ जाएगा? ये आप कभी जानने की कोशिश तो करिए, कभी अपने मन को भी पूछिए कि तुम किस चमक दमक के पीछे भाग रहे हो। मेनली आचार्य जी, पैसा और फेम ये दो ही चीज़ें होती हैं। पैसा और फेम यही दो चीज़ें होती हैं, और वो फिर एक बड़ा घटिया सर्किट बन जाता है। एक सेलिब्रिटी दूसरी सेलिब्रिटी को प्रमोट कर रही है, एक की फेम दूसरे की फेम बन रही है, दूसरे की फेम पहले की फेम बन रही है, सेलिब्रिटी कोलैबोरेशंस चल रहे हैं, गुरुजी राजनेताओं के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, गुरु महाराज बैठे हैं किसी एक्ट्रेस के साथ, वो तत्व चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिकता की बातें कर रहे हैं, और लोग पूछते भी नहीं है कि भाई जो जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है उससे बात की जाती है ना। गुरुजी का वीडियो आ रहा है कि गुरुजी बात कर रहे हैं एक टॉप कॉमेडियन से, तुम कॉमेडियन से स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहे हो? चलो गुरुजी ने करी तो करी, वो वीडियो फिर सुपरहिट भी हो रहा है। ठीक वैसे जैसे उस कॉमेडियन के कहने पर आप ये तय कर लोगे कि कौन से डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए अगर आपको कैंसर हो गया है। ये बात अभी सुनने में अजीब लग रही होगी, पर वही कॉमेडियन आकर के आपको बताए कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या खाना पीना चाहिए, तुम्हें कहाँ इलाज कराना चाहिए, तुम्हें कौन से बैंक में अपना पैसा जमा कराना चाहिए, तुम उसकी बातें बिल्कुल सुन लोगे, तुम्हें पूछोगे भी नहीं कि कॉमेडियन का बैंक से क्या संबंध। कॉमेडियन अब मेडिसिन के बारे में बताएगा क्या? उसी तरीके से कॉमेडियन अब धर्म और अध्यात्म के बारे में बताएगा क्या? पर आप सुन लोगे। सामने बस कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारी चेतना के जो सबसे निचले तल हैं उन्हें उत्तेजित करता हो, और हम बिल्कुल बह निकलते हैं, एकदम पूरे ही गीले हो जाते हैं, गीले ही नहीं हो जाते, घुल जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि हम नशे में हैं। आचार्य जी, हाल ही में ये जो टर्म है जो इंस्टाग्राम फेसबुक इत्यादि से निकल के इन्फ्लुएंसर्स, इस पर कुछ बताएं कि सेलिब्रिटी कल्चर में इस शब्द का क्या महत्व है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि हम इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होने को तैयार क्यों बैठे हैं? पहली बात। दूसरी बात, तुम्हें अगर कुछ जानना भी है, सुनना भी है, सीखना भी है, तो तुम किससे जान सुन सीख रहे हो? पहली बात मैंने पूछी कि तुम इतना क्यों तैयार बैठे हो कि कोई तुम्हारे सामने धड़ल्ले से इन्फ्लुएंसर बन के खड़ा हो जाए। और दूसरी बात, अगर वो इन्फ्लुएंसर बन रहा है तुम्हारे सामने, तो ये तो पूछो कि वो तुम्हारे दिमाग पर कैसा असर डाल रहा है, वो तुम्हारे दिमाग को रोशनी दे रहा है, सफाई दे रहा है,
ये अंधेरा और गंदगी दे रहा है, ये पूछना जरूरी है ना। राइट, क्योंकि ये बात बहुत अजीब लगती है कि एक क्रिकेटर एक गुरुजी के साथ बैठकर तीसरी चीज की बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि ये क्रिकेटर आध्यात्मिक रूप से बहुत उत्सुक था इसलिए गुरुजी के पास आया है। हाँ, ये तो गुरुजी की पीआर एजेंसी घूम घूम के सेलिब्रिटी कोलैबोरेशंस कराती है। हाँ, कि फलानी सेलिब्रिटी के साथ महीने दो महीने कोशिश की जाएगी, उसे टाइम लिया जाएगा कि प्लीज 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 गुरुजी के साथ 15 मिनट का एक वीडियो बनवा दो, इससे ये साबित हो जाएगा कि देखो गुरुजी को तो इतने बड़े बड़े लोग भी सुनते हैं। तो जब जनता ऐसी है कि जिसे ये सब फरेब समझ में ही नहीं आता, वो सोचती भी नहीं है कि स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है, तो तुम क्या करोगे? फिर तुम यही करोगे कि तो क्या जो बातचीत, ये कह सकते हैं कि जो बातचीत हो रही है वो तो एक प्रीटेक्स्ट है, उसका कुछ मतलब ही नहीं है। दो लोग बातचीत हो रही है, कोई मतलब ही नहीं है। वो जो तस्वीर है ना सामने, कि एक आदमी के साथ दूसरा बड़ा आदमी बैठा हुआ है, बस उस तस्वीर का मतलब जो थंबनेल पे लगता है, बस वो जो थंबनेल है उसका मतलब है। बातचीत क्या हो रही है उसका भी मतलब नहीं है। कंटेंट उसमें कुछ नहीं है, वो जो इमेज है वही कंटेंट है। द इमेज इज द कंटेंट। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर जो वास्तविक सब्सटेंस है उसकी कोई अहमियत ही नहीं बची है। आप इमेज क्या पोर्ट्रे कर रहे हो, कैमरा कैप्चर किस चीज को कर रहा है, वो दिख कैसा रहा है, बस उस चीज की अहमियत है। तो बस ये देखना चाहिए कि देखो एक तरफ ये बैठे हैं और दूसरी तरफ कोई बहुत बड़े नेता बैठे हैं, या तुम्हारी स्क्रीन पर एक एक्ट्रेस खड़ी है और उसने अपने हाथ में एक वॉशिंग पाउडर ले रखा है। बस उस इमेज की कीमत है। ये जो फ्रेम है आचार्य जी, जिसमें एक गुरुजी बैठे हुए हैं और एक कोई बहुत ही पेप नया अपकमिंग सक्सेसफुल मॉडल बैठा हुआ है, ये जो इमेज है, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि इस इमेज में ऐसा क्या है कि लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और पागल हो जाते हैं। इस इमेज में तुम्हारी सब निचले तल की वासनाएं हैं। वो मॉडल क्या है, उस मॉडल के पास पहली बात तुम्हें दिखाई देता है कि पैसा है, दूसरी बात आकर्षक शरीर है, तीसरी बात अगर वो पुरुष मॉडल है तो उसके पास लड़कियां हैं। और इसी बात पर मरी जा रही है जनता, क्योंकि हर आदमी को यही चाहिए। और आदमी को यही क्यों चाहिए? क्योंकि बोध से विजडम से हमें कोसों दूर खींच दिया गया है। हमारी जिंदगी में किसी भी तरह की सच्चाई के लिए, गहरी गंभीर बात के लिए, सोचने और समझने के लिए बहुत कम जगह बची है। हमारी जिंदगी में तो कूद फांद, छलांग, उत्तेजना, इन्हीं के लिए जगह बची हुई है। तो ये कह सकते हैं आचार्य जी कि ये जितने भी ऐसे सेलिब्रिटी कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, वो उनमें कुछ ऐसा हार्टली नहीं है कि दिख रहा है वीडियो में कि दोनों हंस खेल रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्चुअल। बहुत ही मूर्ख आदमी होगा जिसको वो जो लोग हंस रहे हैं स्क्रीन पे, उनकी हंसी के खोखलापन नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि उनकी जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं उसमें एक दूसरे के लाइफ के बड़ा अच्छा माहौल बन जाता है, प्यारी प्यारी बातें करते हैं। पूरा स्क्रिप्टेड होता है, अगर आप में जरा भी अकल होगी तो आप देख लेंगे कि वो सब पहले से तय है कि ये बोलेंगे और ये ऐसा बोलेंगे। ये भी तो सोचा करो ना कि तुम्हारे सामने जो चीज़ आ रही है उसमें कैमरा कहाँ है और कितने लोग मौजूद हैं और कौन कौन सी चीज़ पहले से ही तय है कि ऐसे होगा और ऐसे होगा। तो ये सब प्री डिसाइडेड कॉन्ट्रैक्चुअली अरेंज्ड होता है। कॉन्ट्रैक्चुअली अरेंज्ड होता है, पैसे का लेन देन हो चुका होता है, मनी भी इन्वॉल्व। तुम्हें नहीं लगता मनी इन्वॉल्व होगी? और अगर मनी नहीं इन्वॉल्व है तो किसी और तरीके से फेवर्स लिए दिए जा रहे हैं। यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक। तुम नेता हो, मैं धर्मगुरु हूँ, तुम मेरा समर्थन करो, मैं तुम्हारे वोट बढ़वाऊंगा। तुम फिल्म एक्टर हो, मैं गुरुदेव हूँ, दोनों साथ मिलते हैं, मेरे फॉलोअर्स तुम्हारी तरफ आएंगे, तुम्हारे फॉलोअर्स मेरी तरफ आएंगे, ले देके दोनों का फायदा है। जनता को मूर्ख बनना है, जनता मूर्ख बनी जा रही है। ये अब एडवर्टाइजिंग का नेक्स्ट लेवल है, ये विज्ञापन बाजी का अगला तल है। कि पहले तो विज्ञापन बाजी में यही होता था कि एक एक्टर आकर के तुमको बता रहा है कि आप फलाना कच्छा खरीदिए या फलाना मोजा खरीदिए, और तुम बिल्कुल प्रभावित हो जाते थे। अब तुम्हें एक्टर आके ये भी बता रहा है
कि आप फलाने गुरु के पास जाइए, कुछ दिनों में वो ये भी बताएंगे तुम्हें कि आप फलाना धर्म अपनाइए, फलाना धर्म बेहतर है। कि हाल ही में मैंने ये भी देखा है कि कोई बहुत बड़ी मार्केटिंग फर्म है, उसके साथ गुरुजी जुड़ गए हैं और फिर जितनी भी उसकी सब जुड़े हुए गुरुजी के फॉलोअर सब उस सब जुड़े हुए, सेल्स बढ़ रही है मार्केटिंग फर्म हो, एक्टर्स हो, नेता हो, सबको अच्छे से पता है कि जनता मूर्ख है, मूर्ख ही रहना है उसे, जनता बस इमेज की परवाह करती है। तो पूरा जो अब खेल है वो विज्ञापनबाजी का और पीआर का चल रहा है। तो कह सकते हैं कि पहले ऐसा होता था कि 40 मिनट के वीडियो में या 40 मिनट के टेलीविजन धारावाहिक में कुछ सेकंड्स के लिए ऐड आते थे, अब कह सकते हैं कि पूरा वो वही ऐड है, विज्ञापन ही विज्ञापन है, पूरा विज्ञापन ही विज्ञापन है। और देखो बार बार तुम इस तरफ की बात करना चाह रहे हो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं ये नहीं बात करना चाहता कि वो लोग क्या कर रहे हैं, चाहे वो एक्टर हो, नेता हो, गुरु हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ जनता क्या कर रही है। मेरा सरोकार लोगों से है, लोग क्या कर रहे हैं, उनको असलियत दिखाई नहीं देती, उन्हें बेवकूफ बनने में बहुत मजा आ रहा है, लोगों को खुद ही मूर्ख बनने में इतना मजा आ रहा है कि वो कोई चीज देखते हैं स्क्रीन पर और उनको लगता है ये असली है, वो कभी सोचते नहीं कि ये चीज हुई कैसे होगी और क्यों हो रही है, इन दोनों ने क्या दिमाग लाया है, इन दोनों में आपस में डील क्या है, सौदा क्या है, ये जरा सा भी दिमाग नहीं लगाया जाता। वो दिमाग इसलिए नहीं लगाया जाता ना क्योंकि बुद्धि कामनाओं के नीचे दब जाती है। बुद्धि तो तब चले ना जब इच्छाएं थोड़ी कम हो, जब आदमी के दिमाग पर डिजायर्स हावी रहती हैं तो बुद्धि चलनी बंद हो जाती है, उसके बाद वो बस एक डिजायर्स का, कामनाओं का एक पुतला बन जाता है। उस पुतले को कहीं से उठाकर कहीं रखा जा सकता है, उस पुतले को किसी भी रंग से पोता जा सकता है, उस पुतले को खड़ा किया जा सकता है, गिराया जा सकता है, हंसाया जा सकता है, रुलाया जा सकता है, ये सब कामनाओं की वजह से। और वो जो डिजायर्स हैं वो सिर्फ एक तरीके से काबू में रखी जा सकती हैं और उस तरीके को कहते हैं बोध का रास्ता, विजडम या अध्यात्म। वो जैसे रास्ता ही बिल्कुल बंद कर दिया गया है नकली प्रोपेगेंडा के द्वारा। तो इस एज में आचार्य जी, अगर फॉर्म ही कंटेंट है, इमेज ही सब्सटेंस है, तो क्या किया जाए कि लोग जो भी बचा कुचा सब्सटेंस है रैरिटी में जो प्रेजेंट है अभी उसकी तरफ खींचें, क्या वो भी एक इमेज? लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास कोई कंटेंट नहीं, सब्सटेंस नहीं, इमेज है बस एक, और वो इस इमेज पर ही अपना 80% समय लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, सारा खेल ही यही है कि एक इमेज बिल्कुल बचा के रखी जाए और एक बहुत चकाचौंध कर देने वाली इमेज जनता के सामने बस रखते चलो। तो वो लोग हैं। दूसरी ओर अगर तुम कह रहे हो कि कहीं पर सब्सटेंस बचा हुआ है, तो जहाँ बचा हुआ है उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हे अर्जुन, धनुष उठा, युद्ध कर, और कोई तरीका नहीं है। लोगों को अगर पता चल जाए कि इमेज के पीछे क्या है तो ये पूरी दुनिया अलट पलट हो जाएगी। आप जिसको सिर्फ टीवी या मोबाइल के पर्दे पर देखते हो या सिनेमा की स्क्रीन पर देखते हो, वो वास्तव में इंसान कैसा है, ये बात अगर सामने आ जाए तो हम मुंह कहाँ छुपाएंगे जाकर के। हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे कि हमने ऐसे लोगों को इतने दिनों तक सर पर चढ़ा कर रखा। पर सारी मैनेजमेंट इसी चीज में है ना कि रियलिटी कभी तो इमेज के आगे। ऊर्जा ही जब इमेज मैनेजमेंट में जा रही है तो असली कंटेंट क्रिएट कैसे हो, उसकी तरफ ऊर्जा जा ही नहीं रही है। आप अपना सारा ध्यान, सारी एनर्जी किस चीज में लगा रहे हो? अपनी इमेज में। तो आप अंदर से कैसे हो, उसकी परवाह करने के लिए आपके पास एनर्जी बची नहीं रही है। मासेस को सेंसिटाइज करने के लिए, ताकि वो जैसे ही ऐसी कोई चीज देखें एकदम से अलर्ट हो जाएं। हम कर तो रहे हैं,
और यहाँ ये क्यों बातचीत हो रही है, ये काहे को कैमरा लगा हुआ है? देखो मेरी समस्या ये है कि मैं इस समय किसी तर्क से नहीं लड़ रहा, किसी विचारधारा से नहीं लड़ रहा। अभी कोई बड़ी चीज नहीं है जिसके खिलाफ लड़ाई करनी पड़ रही है। बहुत सारे छोटे छोटे लोगों का छोटा छोटा अज्ञान एक किसी छोटे आदमी को बहुत बड़ा बना दे रहा है। वो सब बहुत छोटे छोटे लोग हैं, बहुत अदने अदने लोग हैं। उनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो अकेले सामने खड़ा हो जाए तो उसको फूंक मार के उड़ाया नहीं जा सकता। उनमें से किसी में कोई दम नहीं है, बस वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और ये बहुत सारे छोटे छोटे लोग मिल जाते हैं और ये अपने जैसे किसी छोटे आदमी को बड़ा घोषित कर देते हैं। और वो बड़ा आदमी बड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारे छोटे आदमी उसको बड़ा बोल रहे, वरना वो भी वैसे ही छोटा आदमी है। तो पहले तो एक मूर्ख आदमी को आप बहुत बड़ा बना देते हो, और फिर जब मैं कोई बात बोलता हूं तो जानते हो सबसे आजकल प्रचलित तर्क क्या आ रहा है मेरे खिलाफ? नहीं, आप तो ये बोल रहे हो लेकिन फलाने ने तो ये बोला हुआ है ना। अरे भाई ये बोलो कि मेरी बात में कमी कहाँ पर है। वो कमी उसे कहीं नहीं दिख रही। वो कह रहा आपकी बात तो शायद ठीक है पर फिर फलाने ने ऐसा क्यों बोला हुआ है? अगर मेरी बात ठीक है और फलाने ने उसके विरुद्ध कुछ बोला हुआ है, उससे हटकर कुछ बोला हुआ है, तो जो तुम्हारा फलाना है वो झूठा हुआ। सीधी सी बात ये है, पर तुम में हिम्मत ही नहीं कि कह पाओ कि वो बड़ा आदमी झूठा है। वो उसकी इमेज से कॉलोनाइज्ड है, वो उसकी इमेज से आतंकित है। सेलिब्रिटी स्टेटस जनता को खौफ में रख देता है। एक बार आप बहुत बड़े बन गए उसके बाद किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि वो सोच भी पाए कि आप गलत हो या झूठे हो। एक बार आप बड़े हो गए उसके बाद जनता, ये तो छोड़ दो कि आपके खिलाफ मुंह खोल के कुछ बोलेगी, 95% लोगों को ये ख्याल आना भी बंद हो जाता है कि आप एक झूठे खोखले और बौने आदमी हो। You lose your criticality towards them. समझ ही नहीं होता। तो अभी यही तर्क आता है कि आचार्य जी आपने जो बात बोली अभी वो ठीक है लेकिन वो फलानी एक किताब है उसमें तो ऐसा लिखा हुआ है ना। अरे यार बात अगर ठीक है और वो किताब उस ठीक बात के खिलाफ कुछ कह रही है तो वो किताब गलत हुई ना। उस किताब को छोड़ो, होगी कोई घटिया किताब तुम उठा लाए उसका नाम ले रहे हो, या आप जो बोल रहे हो तो ठीक है पर वो ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, और वो बड़े लोग हैं तो वो तो गलत नहीं हो सकते ना। ये बड़े लोग क्या होता है, ये बड़े लोग क्या होता है? 100 बेवकूफ लोग मिलकर के किसी एक बेवकूफ को होशियार घोषित कर दें तो वो होशियार हो गया। 100 बौने लोग मिलकर के अपने ही जैसे एक बौने को विशाल घोषित कर दें तो विशाल हो गया, बड़ा हो गया। पर जो पूरा सेलिब्रिटी कल्चर है वो इसी सिद्धांत पर चलता है। किसी तरीके से बस अपनी एक बार इमेज बना लो और उस इमेज को चमकाते रहो। लोग डरे रहेंगे तुमसे, लोग डरे रहेंगे तुमसे, और वो डर के मारे तुम्हारी कही हुई बात भी मान लेंगे, तुम्हारा सुझाया हुआ टॉनिक भी खरीद लेंगे, जूता भी खरीद लेंगे। तुम उनको बोलोगे देखो मैं ऐसा हूं और मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम फलानी सब्जी खाया करो, वो सब्जी भी खा लेंगे। तुम उनको बताओगे देखो ऐसे कपड़े पहना करो, वो तुम्हारे बताए हुए कपड़े ही पहनने शुरू कर देंगे। लोग ही ऐसे हैं। तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूं ना, मैं लोगों की बात करना चाहता हूं। लोग ऐसे क्यों हैं? हम लोग ऐसे नहीं होते तो मक्कार लोगों को नहीं मौका मिलता ना हमें ठगने का। कोई मक्कार आदमी आपको ठग रहा है बड़ा बन करके, इमेज वाला सेलिब्रिटी बन करके, मैं उस मक्कार आदमी को बाद में दोष दूंगा। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप इतने बेवकूफ क्यों हो कि कोई आपको ठग रहा है।
देने वाले ने आपको सोचने की, समझने की, विवेक की शक्ति दी है ना, आप क्यों बेवकूफ बनते रहते हो दिन रात? जाओ किसी ऐसी छोटी सी कोई दुकान होगी किराने की, और उसने एक पीछे तस्वीर लगा रखी होगी क्षेत्र के विधायक के साथ, और गुरुजी ने तस्वीर लगा रखी है फलाने मुक्केबाज के साथ, इन दोनों मानसिकताओं में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर है? जो किराना खरीदने जा रहा है सोचता है ये किराने की दुकान बढ़िया है, इस बंदे कि यहाँ पर तो कभी क्षेत्र के माननीय विधायक पधारे थे, ये किराने की दुकान के स्तर की बात है, लेकिन बिल्कुल वही बातचीत चल रही है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। तुम बहुत जुगाड़ लगाते हो कि किसी तरीके से फलाने देश के प्रधानमंत्री से या किसी सांसद से हमारी मुलाकात हो जाए, और मुलाकात हो रही है और हाथ खिंचाते हुए या गले मिलते हुए तुमने 5-10 कैमरे लगा दिए, मेरी फोटो खींच लेना, और अब उन फोटोज के दम पर तुम बताना चाह रहे हो देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मुझसे तो फलानी यूनिवर्सिटी के लोग मिलते हैं, फलाने बड़े बड़े लोग मिलते हैं। ये कुछ नहीं है, दहशत है, ये खौफ है, आम आदमी डरपोक है, वो बहुत जल्दी ऐसी बातों के नीचे दब जाता है, जल्दी से हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, और उसको पता भी नहीं होता कि वो हाथ इसलिए जोड़ रहा है क्योंकि वो दहशत में आ गया है। उसको लगता है वो हाथ इसलिए जोड़ रहा है क्योंकि उसमें डिवोशन आ गया है। ये ज्यादातर जो डिवोटीज हैं, इन्हें नहीं पता कि इनके पास डिवोशन नहीं, दहशत है। तुम डरे हुए हो और तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम अपना दिमाग चला सको। जुबान चलाने की बात तो बाद में आती है, दिमाग भी नहीं चला पाता आदमी दहशत में। ये इतने डरे हुए हैं सेलिब्रिटीज के आगे। बॉलीवुड अभिनेता, अभिनेत्रियां, क्रिकेटर इत्यादि, ये तो पहले भी भारत में हुआ करते थे, 21वीं सदी से पहले भी। ये आज का क्या चलन है कि लोग पागलों की तरह फोटो खिंचाना चाह रहे हैं, फिर उसको फेसबुक पे डालते हैं? वो की बात बढ़ती जा रही है ना, और वो पहले एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते थे, अब वो लाइफ मॉडल्स हैं। आप उनके जैसी जिंदगी ही जीना चाहते हो, अभी उनके जैसी जिंदगी ही जीना चाहते हो। अखबार में हेडलाइन भी ऐसी आएगी, द अमेजिंग लाइफ ऑफ, और आगे कोई एक्ट्रेस होगी उसका कुछ नाम लिखा होगा। उसकी अमेजिंग लाइफ कैसे हो गई? क्योंकि उसके पास पैसा है। और कैसे अमेजिंग लाइफ हो? और फिर उसको देख करके हर लड़की को ये लग रहा है मेरे पास भी ऐसी लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि देखो अभी अभी इस न्यूज़पेपर ने घोषित किया ना कि द अमेजिंग लाइफ ऑफ, कोई कुछ कुछ भी नाम हो सकता है उसका, नेहा सायरन, द अमेजिंग लाइफ ऑफ नेहा सायरन, और आप पागल हो रखे हैं कि अरे ये अमेजिंग लाइफ है तो मेरी भी ऐसी ही होनी चाहिए। तो लोगों की अपनी जो इनफीरियोरिटी है, अपना जो खोखलापन है, उसी पे बिल्डअप होता है पूरा सेलिब्रिटी कल्चर। इसीलिए मैं बात सेलिब्रिटीज की नहीं, आम जनता की करना चाहता हूँ। ठग तो हर जमाने में रहे हैं, ये आज का जमाना कैसा है जिसमें ठग ही राजा बन गए हैं और ठग ही जनता के जेहन पर बिल्कुल छाए हुए हैं। देखो एक वो समय था जब किसी जनक को जब अष्टावक्र से कुछ बात पूछनी होती थी तो वो जाते थे अष्टावक्र के सामने, जमीन पर बैठ जाते थे और कहते थे मैं अपना राज्य, धन, दौलत, प्रतिष्ठा सब पीछे छोड़ करके आया हूँ, परेशान हूँ, मुझे कुछ बताइए। रैको गाड़ी वान की कहानी सुनी है तुमने? तो वो रैको गाड़ी वान है लेकिन ज्ञानी था, तो राजा उसके पास जाते हैं, वो राजा से बोलता है चलो पहले मेरी पीठ खुजाओ, और राजा को ज्ञान चाहिए तो वो पीठ खुजाता है। तो जो असली गुरु होता है, राजा उसके पास चल के आते हैं, गुरु नहीं हिलता,
वो राजा को अपने बगल का सिंहासन नहीं देता है, राजा उसके पांव में बैठता है। गुरु वो होता है जिसे कोई चाहत ही ना हो कि उसके पास राजनेता आए या कोई धनी आदमी आए या कोई प्रतिष्ठित आदमी आए। लेकिन ये बात लोगों को तब पता चलेगी ना जब वो उपनिषद पढ़ेंगे या अष्टावक्र गीता पढ़ेंगे। रैको की कहानी कहाँ है? उपनिषद में। अष्टावक्र के बारे में कब जानोगे? जब अष्टावक्र गीता की ओर जाओगे। वो जब तुम्हें बातें ही नहीं पता, तुम्हारे दिमाग में उस तरह का विचार, वो आइडिया भी नहीं आ पा रहा है, तो तुमको वो फिर कॉन्ट्रास्ट भी नहीं दिखता ना कि एक तरफ तो था रैको जो राजा से बोल रहा है पहले मेरी पीठ खोजा उसके बाद मुझसे बात कर, और दूसरी तरफ है ये आज के गुरु जो इधर उधर घूम घूम करके हाथ जोड़ करके सेलिब्रिटी कोलैबोरेशन करा रहे हैं अपनी पीआर एजेंसी के माध्यम से। तो ये चल क्या रहा है? वो लेकिन तब पता चले जब पहले एक बार कुछ ऐसी ऊंची किताबें पढ़ो जो तुम्हारे दिमाग में कुछ बहुत ही ऊंचे विचार डाल सके, एकदम नए आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज डाल सके। वो किताबें पर ये दोधारी तलवार है ना, वही गुरु फिर ये किताबें पढ़ने से भी तो रोक रहे हैं। वही गुरु फिर ये किताबें पढ़ने से भी रोकेंगे आपको, वो गुरु भी रोकेंगे, वो एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी रोकेंगे, राइट। वो बल्कि तुमको घटिया किताबों की ओर भेजेंगे, उनसे पूछा भी जाएगा योर फेवरेट बुक, राइट। कोई एक्टर है उसे पूछ दिया गया और उस एक्टर की कुल कमाई क्या है, क्लेम टू फेम क्या है उसका, कि उसने मांस खा खा करके कर रखा है, और वो फिर आपको बता रहा है कि जिंदगी में आपको किताब कौन सी पढ़नी चाहिए। तो उपनिषदों की ओर जाने से आपको गुरु भी रोक रहे हैं, दुनिया रोक रही है, सब सेलिब्रिटीज। कौन सा सेलिब्रिटी आपको जिंदगी में सच्चाई की ओर, रोशनी की ओर भेज रहा है? कोई नहीं भेज रहा है।